सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेल्स। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना फारूक साहब का बदमाशों ने कत्ल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना फारूक साहब एक मदरसा भी चलाते थे और आशंका जताई जा रही है कि मौलाना साहब की धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौलाना साहब की हत्या की खबर से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में तैनात कर दिया है। दरअसल घटना प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन और ज़मीनी विवाद में मौलाना साहब की हत्या हुई है। मौलाना साहब का शव आरोपी के दरवाजे के सामने ही मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया है कि मौलाना फारूक साहब प्रतापगढ़ शहर के मऊहार गाँव में मदरसा चलाते थे। बताया जा रहा है कि मौलाना साहब अपने पैतृक गांव सोनपुर आए हुए थे, जहां सुबह बदमाशों ने मौलाना फारूक साहब की हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना को लेकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। खबरों की माने तो मौके पर पहुंचे लोग आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि तनाव को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है।